सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है, दिस इज स्टाइल का नामकर और हम आ चुके हैं आज सुबह सुबह सुजुकी के शोरूम पे, क्योंकि जा रहे हैं ट्रिप पे। ये देखो बाइक सारी। तो अभी ये जैकेट मिली है सुजुकी की तरफ से हम लोग को एज अ गिफ्ट। तो फटाफट चलते हैं और दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं, मिलते हैं रास्ते में, लेट्स गो। तो गाइस राइड पे चलने से पहले जैकेट की अनबॉक्सिंग देख लो आप, और जैकेट कैसी है ये भी देख लो, इसके बारे में अभी नवीन बताएगा आपको। लेट्स गो। इस बार फिर ये यहाँ से ले आए हैं यार। पिछली बार भी यहाँ पे चलान कटा था, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। ये इशारे क्यों कर रहे हैं इसी पे चलने के लिए। 20,000 का चलान कटवा चुके हैं एक बार, बाकी भगवान मालिक। तो गाइस अभी खाना वाना ले लिया है और भीड़ यहाँ पे इतनी हो रही है कि बस क्या ही बताऊँ, जैसे लंगर लगा रखा हो यहाँ पे। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़। अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन से रूट से जाना है ताकि चलान फिर ना कटे। तो चलो फटाफट खाते फिर मिलते हैं। कोने में जो पड़े थे ना वो हमारे ही थे। ड्रिंक्स का है वो ला रहा ना पीछे भाई। फाइनली तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और सुजुकी ने एक काम तो बहुत बढ़िया करा है कि बाइक इतनी बढ़िया बनाई है हायाबुसा, लेकिन उसमें एक नुकसान भी है। वो ये है कि भाई जब भी ट्रैफिक में जाओ और हॉर्न बजाओ तो हॉर्न ऐसा है कि जैसे स्कूटी का हो। बाइक इतनी बड़ी है और ये देख लो ज़रा, हॉर्न ऐसा है जैसे स्कूटी का हो और कोई हटता भी नहीं है उसको सुन के। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा नेक्स्ट बाइकों पर थोड़ा हॉर्न अच्छा वाला दें ताकि हमें रेव ना करना पड़े इन लोग को हटाने के लिए। तो गाइस यहाँ से पहाड़ तो चालू हो चुके हैं और टाइटल आपने देख ही लिया है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग जिम कॉर्बेट आए हैं। यहाँ पे करेंगे पूरा एंजॉय, और भी यहाँ से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है अपना रिजॉर्ट, तो वहाँ चलते हैं रिलैक्स करते हैं। अरे अरे अरे, ये कहाँ से आगे सामने है। अरे यार गिरी तो नहीं, ध्यान से उठाना, ध्यान से बंद तो हो गई ना। हाँ बंद है, चलो खींचे की नहीं उठानी पड़ेगी। अरे सीधी कर, सीधी कर लो यार, यही सीधे खड़ी है पत्थर पे, उठा लो। कोई नहीं, कोई नहीं, सीधी सीधी आ जाएगी। चलो चल वीरे, दोनों जने हैंडल पकड़ो, क्लच दबा लो, क्लच हम लोग पीछे आ गए, क्लच दबाना भैया, गियर उतारो उसके पहले, क्लच दबाना, क्लच भैया, क्लच तो गियर तो निकालो तभी तो जाएगी, उठ के निकलेगी भी है, गियर तो निकालो, निकाल देना चला दबा दो, निकल कर दो, निकल कर दो। तो गाइस अभी आपने देखा होगा कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि जानवर आ गया था सामने उसको बचाते हुए, बट एनीवेज कुछ नुकसान नहीं हुआ है बाइक में, बट पैर में थोड़ी सी चोट लगी है। वो रिजॉर्ट में जाके देखेंगे कि कितनी चोट लगी है, क्योंकि अभी तो राइडिंग गियर पहन रखे हैं तो पता नहीं लग रहा, बट दर्द हो रहा है। तो देखते हैं रिजॉर्ट पर पहुँच के कि कितनी चोट लगी है। बाकी आप राइड इन्जॉय करो, व्लॉग इन्जॉय करो, व्यू इन्जॉय करो, ये सब तो छोटा मोटा लगा ही रहता है। सो लेट्स गो। ओए होए होए गाइस, स्काई देखो कितना बढ़िया लग रहा है, व्यू एकदम मस्त। मेरे को लगता है जितने भी राइडर्स घूमने वूमने निकलते हैं वो तो व्यू देखकर ही उनकी थकान वगैरह उतर जाती होगी, क्योंकि राइड पे तो बहुत थकान होती है। बाकी ये वाटर क्रॉसिंग देखो, ओए होए होए, मज़ा ही आ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है इस राइड पर। बाकी देखते हैं आगे के दिन कैसा निकलता है, लेट्स गो। तो गाइस पहुँच चुके हैं रिजॉर्ट के अंदर, और रिजॉर्ट का लुक कुछ इस तरह है, चारों तरफ पहाड़ ये आप देखो, और बीच में ये रिजॉर्ट, इसमें विलास हैं, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ओए होए होए, मज़ा ही आ गया व्यू देख के। तो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ये पूल, इसमें कल आएंगे, कल मस्ती करेंगे। आ चुके हैं अपने विला में, इसमें दो रूम हैं, दो ही वॉशरूम हैं, बाकी मैं आपको विला दिखाता हूँ फटाफट। ये यहाँ पे चिमनी का लुक दे रखा है इन्होंने, बढ़िया है। और ये लिविंग स्पेस, यहाँ पे हमने अपने ऑलरेडी सामान वगैरह रख दिए हैं, किचन सब जगह सामान रख दिया है। एक रूम ये है, ये इन्होंने घेर लिया है नवीन भाई ने,
उधर वॉशरूम और एक रूम ये है। सब थके हुए हैं, सब लेटे हुए हैं अपना आराम से, और एक वॉशरूम इसका ये। बाकी प्रॉपर्टी आपको शाम को दिखाता हूँ, शाम को दिखाता हूँ आराम से। अभी थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। ओ भाई इतनी बड़ी स्पाइडर हमारे रूम में, ये ना जेलिंगला वाला ही लग रहा है। सुबह उठ के मैं स्पाइडर मैन ही ना बन जाऊँ। सो गाइस, डे टू आ चुके हैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने। मजे आ रहे हो वादियों में एकदम अपने रिजॉर्ट में। देखो चेक करो, बट कोई सिक्योरिटी सेफ्टी तो है नहीं यहाँ पे, मैं तो लूंगा नहीं। तो गाइस स्विमिंग वगैरह कर ली है, रिलैक्स करके थोड़ा सा चेंज करके नहा धो के निकल चुके हैं शॉर्ट्स पहन के लिए। यहाँ पे जाएंगे अब हम लोकल मार्केट, एक भैया कैफ़े बता रहे हैं अच्छा है यहाँ पे, वो जाके देखते हैं वहाँ पे कैसा है, और थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे शाम के लिए, कुछ खाने पीने का सामान भी लेंगे। तो बाकी आप राइड इन्जॉय करो। हाँ, यहाँ पर मैं अभी आते हुए जब कल आ रहे थे तो मैं एक ब्रिज देखा था बहुत बढ़िया, उसको रिकॉर्ड नहीं करा था मैंने, बट अभी जाते हुए रिकॉर्ड करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि कैसा है वो। और बाकी व्यू देखो यार, क्या बात है, मज़ा ही आ रहा है एकदम। तो गाइस ब्रिज आने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था, और पिछली बार तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। बाकी अभी देखते हैं, बाकी व्यू देखो आप। बाय। सो गाइस अभी बाइक्स में पेट्रोल वगैरह भी ख़त्म हो रहा है, तो आगे जाके फ्यूल अप भी करवाएंगे, वो फुली फटाफट पहुँच जाएँ लोकल मार्केट तक। बाकी आई होप आप लोग को व्यू अच्छा लग रहा होगा, व्लॉग भी बढ़िया लग रहा होगा। सो गाइस अभी आपने देखी होगी राइड, मज़ा आया होगा राइड देखकर, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारे लोग वहाँ पे देख रहे थे, वेव आउट कर रहे थे। खैर कुछ मैं रिकॉर्ड करा, कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन अब हम आ चुके हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए, खाने पीने का, तो फटाफट वो लेते हैं और उसके बाद करते हैं शाम को पार्टी। सो लेट्स गो। तो भाई लोग शॉपिंग डन हो चुकी है, फ्यूल अप हो चुका है, और अब निकल रहे हैं कैफ़े की तरफ। अब कैफ़े में चलते हैं, कैफ़े आपको दिखाते हैं कैसा है, और कैसा है वहाँ का फूड वगैरह रिव्यू देते हैं आपको। सो लेट्स गो। सो गाइस वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग कर कर हम आ चुके हैं कैफ़े में। कैफ़े का नाम है वाटिका, विलेज वाटिका। तो अभी चलते हैं, दिखाता हूँ अंदर से कैसा है, और सब लोग बैठ गए हैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह करने के लिए। एम्बियंस तो काफ़ी सही है, बाकी देखते हैं अंदर चल के क्या सीन है। लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे हम लोग के हेलमेट वगैरह आराम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ बैठा है अपना ग्रुप, आते तो ब्लॉगर हैं इसमें, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम के लिए रील वगैरह शूट हो रही है, आते ऑलरेडी अपना व्लॉग थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके बैठ गए हैं। बाकी एंजॉय करो कैसे ये है लोग कुछ अंदर से। भाई ये कॉफ़ी मंगाई थी बिल्कुल ही बेकार कॉफ़ी आई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पानी दे दिया और रिपीट करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, रिपीट क्या। तो अभी आता है तो फिर बताता हूँ कैसी है। तो गाइस हमारी कॉफ़ी आ चुकी है जो हमने रिप्लेस करवाई है, ओल्ड कॉफ़ी, अभी देख रहा हूँ बताता हूँ इसका स्वाद कैसा। ये अच्छी है, ये बेटर है। चलो खाते हैं फिर मिलते हैं सीधा अपने रिजॉर्ट में। तो भाई लोग अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए, और रात को रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि पार्टी शार्टी कर रहे थे और सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरा के सामने, तो उनकी भी रिस्पेक्ट रखनी होती है। बाकी अभी बढ़िया सी एक वाटर क्रॉसिंग आएगी, वो एंजॉय करो और मिलते हैं आपको रास्ते में। चलो भाई लोग ये ऊँट वगैरह मंगवाए हैं राजस्थान से आप लोग के लिए, तो जब भी आओ राइड कर लेना। अरे मजाक कर रहा हूँ दिल पे मतलब। सो गाइस अपना लास्ट पॉइंट हम आ चुके हैं, यहाँ पर अब निकल रहे हैं घर, तो फटाफट चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।